होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, जब तक सारे नहीं बजाओगे। होकर मस्त मलंगी खा लो। मैं जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब तक जो मैं था वो आप लोगों ने पहचाना। मुझे पूरी दुनिया की कोई भी सरकार अब तक नहीं पहचान पाई। सबको मैं बताता रहा कि मैं समझदार हूं, मैं समझदार हूं, मैं समझदार हूं, लेकिन बनारस वालों आप लोगों ने पहचान लिया कि मैं असली रूप में महामूर्ख हूं। आज उससे सम्मानित कर दिया। वाह, मैं सच बता रहा हूं, पहली बार गदा लेके जय श्री राम की जगह हर हर महादेव बोलना पड़ा। भैरव बाबा को गदा पकड़ा दिया आप लोग। ये काम तो बनारस के लोग ही कर सकते हैं। ए बैठो, का फोटो ले रही हो मेरा? वीडियो ले रही हो? इतनी रात को वीडियो नहीं लेते, छोड़ दो। चलिए, मैं एक तो बहुत बहुत आभार करता हूं आप सबका। थोड़ा सा लेट हुआ आने में, कोई बात नहीं। जो जितना बड़ा मूर्ख होता है, जैसे सेलिब्रिटी लेट आते हैं ना, तो छोटा छोटा मूर्ख सब पहले आ गया। बड़ा मूर्ख मतलब बड़ा सेलिब्रिटी मूर्ख लेट आया। तो इसलिए फ्लाइट भी 6 घंटा लेट थी। कोशिश की कि मैं ना पहुंचूं, लेकिन मैं कोशिश किया कि मैं कम से कम आज अपनी उपाधि तो ले आऊं। ना ना, ठीक है। मैं आदरणीय हमारे सांड दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। हाँ, मैं हूं भी इसी लायक, मेरा सम्मान किया आपने। और एक चीज दोस्तों कहता हूं, उसके बाद मैं काव्य पाठ पे आऊंगा। ये कार्यक्रम का मुझे 12 बजाना है। तो मैं एक चीज बताऊं आपको, इस कार्यक्रम में आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी बहुत महंगे कवि हैं, उनमें से मैं भी एक महामूर्ख जो हूं, एक बहुत ही महंगा कवि हूं। लेकिन आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि जब दमदार भाई का मेरे पास आज के कार्यक्रम के लिए फोन आया, मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सम्मान मिलना है। बस मैंने ये सुना कि मुझे बस बनारस में काव्य पाठ करना है, और मैं बिना किसी शर्त के दमदार की बात पर इसलिए आ गया क्योंकि बनारस का नाम पूरी दुनिया में टीवी चैनलों के माध्यम से, कवि सम्मेलन के माध्यम से दमदार बनारसी आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार दमदार के उज्जवल भविष्य के लिए तालियां बजाइए। अब आप लोग कहें तो मैं ये सुमेरु पर्वत उतार दूं? नहीं नहीं, कुल रख दीजिए, मुकुट नहीं उतारना है गुरु। हाँ, सब रख दीजिए, मुकुट पहन के काव्य पाठ होगा। हाँ, एक नंबर भैया, मलवा उतारी उतरवाइए गुरु। ले मुकुट हुआ गिर गया, मलवे मलवा। ऐसा भी बाबा मत लगाओ भाई। नहीं, सच बता रहे, एक महिला खड़ी थी, हमको जल पीना था। मैंने कहा मैडम थोड़ा जलवा दिखाइए ना। आई मलवा मलवा। जी आइए, होली के आनंद को जीते हैं। बनारस की होली कभी भी समाप्त नहीं होती है। क्या बात है, जीवन हमेशा राक्षसों की तरह होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, जाते हुए मुकुट और गदा दे दीजिएगा, हम लोग भाड़े पे लाए थे। तो मुझे मुझे कौन सा खरीद के लाए हो? मैं भी भाड़े पर। आज का भाड़ा तुम दोगे, कल का भाड़ा राजस्थान वालों से लेना है। क्या बात है भाई साहब। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे कवि आए थे मूर्ख बनने। इस मूर्ख के साक्षी आप लोग बने। हाँ, इनका फोटो बनाओ। तो आइए थोड़ी देर आनंद लेते हैं कि होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। भाई साहब, आपने जो टांट पर ये हाथ फिराया, मुझे शाकाल की याद आ गई। होकर मस्त मत, देखिए तालियां जब तक सब नहीं बजाओगे ना, मैं शुरू ही नहीं होऊंगा।
होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली रसिया। बनारस के तो नाम में ही रस है कि होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली र। मैं तो एयरपोर्ट पे जब बाहर आया, लेट हुआ आने में, सर जाम लगा हुआ था, दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। रहा नहीं गया मुझसे, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। मेरे साथ होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली र। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोल। पिछले दिनों चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीता कितनी बड़ी बात है। मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। अगली पंक्ति पे आप सबको आनंद आ जाएगा। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा। अच्छा, सगी? सगी से पूछना पड़ता है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। आज ही केजरीवाल जी तिहाड़ गए हैं। तीन लोग पहले से थे, चौथा पहुंच गया, अब ताश आराम से खेल सकते हैं। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली। अब शंभू आते हैं तो आप जानते हैं हास्य के देवता शंभू। बनारस शंभू की नगरी है। शंभू अकेले तो आते नहीं, उनके साथ सभी दूत गण सब आते हैं। मेरे साथ भी कुछ कवि कवित्री आए हुए हैं। अब आप इसका आनंद लीजिए। कि होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, शंभू। सारे वीडियो बनाओगे तो ताली कौन बजाएगा? होकर मस्त, भाई मेरी वीडियो बनाओगे, घर जाके भौजाई को दिखाओगे, वो जूम कर करके मुझे देखेगी, तुमको अच्छा लगेगा। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। इधर महिलाएं हंस रही हैं, प्रणाम करता हूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। होकर मस्त मलंगी, मस्त मलंगी, जिंदाबाद। इधर से दो चार महिलाएं मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गो। महिलाओं को कैसे भी खुश नहीं किया जा सकता, 1000 तरीके अपना लो, महिलाएं खुश नहीं होती। हम पुरुष महिलाओं को देखते ही खुश हो जाते। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गो। अब देखिए मेरे साथ जो आए हैं, कि भूत पिशाच चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए। कई लोग अपनी वाली की शक्ल देखने लगे। अब रात को 12 बजे यहां पे कौन मिलेगा आपको? भूत पिशाच चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए, ज्ञान बापी में नंदी बाबा मंद मंद मुस्काए। ज्ञान बापी में नंदी बाबा मंद मंद मुस्काए, रंग न हो तो रंग न हो तो रंग न हो तो भस्म से भर लो झोली र। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली रसिया। होकर मस्त मलंगी। राजनीति की बातें हो रही थी, मैं तो साहब बिहार का रहने वाला हूँ, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। होकर जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी एक एक करके बंद होने लगे।
एक बचा था वो भी बंद हो गया। राघव चड्ढा बेचारा इंग्लैंड से ही नहीं आ रहा है। नया नया विजय मालिया बना है होकर मस्त वो। और केजरीवाल कमाल है साहब। जीवन में एक चीज केजरीवाल ने आज मुझे सिखा दी। अच्छा, आज मुझे केजरीवाल ने एक चीज सिखा दी है, जीवन में कभी फंस जाओ तो अकेले मत फंसो। जो जो साथ में वो फंसा दो। भाई ने आतिशी को भी फंसा दिया, सौरभ को भी फंसा दिया, पहले से बाकी सब फंसे ही पड़े थे। होकर मस्त मलंग, बिहार की राजनीति आनंद लीजिएगा। हाँ, स्वागत है। कि होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, राजनीति में अक्सर ड्रामा करते अपुन बिहारी। राजनीति में अक्सर ड्रामा करते अपुन बिहारी, ये मत पूछो चचा ने कितनी पलटी है माँ। ये मत पूछो चचा ने, मुझे याद आ गई बस एक घटना। अभी गदौलिया चौराहे पर जब भयंकर जाम लग गया तो मेरा मन हुआ जाम ऐसा है कि तीन चार बार चाय पी जा सकती है। तो मैंने चाय वाले से कहा एक कप चाय दे। उसने मुझे चाय दिया, मैं चाय पीने लगा। चाय जैसी मैंने पीने लगा एक कुत्ता आ गया। मेरे मन में दया जाग गई। मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दे। उसने बिस्कुट का पैकेट दिया, मैंने उसे खोला, एक बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने लपका और जैसे ही खाया अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट, एक मिनट में 12 बार पलटी खाई, नीतीश कुमार से भी ज्यादा, एक मिनट में 12 बार। मैं गिन रहा था, एक मिनट में 12 बार खाई। मैं घबरा गया, मैंने चाय वाले का गर्दन पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में, यह तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी अलट पलट कर रहा होता। तो चाय वाले ने जो जवाब दिया पूरा का पूरा ये राजेंद्र प्रसाद घाट एकदम उत्साह से भर जाएगा। मैंने कहा ये तूने क्या मिला दिया बिस्कुट में जिसे खाते ही ये कुत्ता अलट पलट करने लगा। तो चाय वाला बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। ए, क्या बात है भाई साहब। कुत्ता अलोम विलोम कपाल भांति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा। मजा आ रहा है आप लोगों को। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली। अच्छा कितने लोग खा क्या हो ये बता दो जरा एक बार। होकर थैंक यू भाई साहब धन्यवाद, आप बाबा का असली प्रसाद खाए हो। होकर मस्त मलंगे तो चाय मोदी का प्रसाद पी रहे हैं। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, एनडी गठबंधन याने की फ्यूज बल्ब की झालर, एनडी गठबंधन याने की फ्यूज बल्ब। आजा बेटा कोरोना काल में पैदा हुआ था क्या? नहीं इतना छोटा है ना, देख के लग रहा है वर्क फ्रॉम होम की डिलीवरी है। एनडी गठबंधन, हम सबको काम मिला था वर्क फ्रॉम होम। एनडी गठबंधन याने की फ्यूज बल्ब, सच बता रहा हूं मैं आपको, मैंने बचपन में पिताजी से कह दिया था। मैंने कहा पिताजी लव मैरिज करूंगा, बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। एनडी गठबंधन याने, एक चीज और याद रखो बना दमदार भाई, एक चीज हमेशा याद रखो। स्वागत। अगर आपकी शादी आपकी गर्लफ्रेंड से ना हो तो 2 महीने का दुख रहता है। अच्छा। और हो जाए तो पूरी जिंदगी का दुख। एनडी गठबंधन याने, तुम लोग क्या अपना ये समेटने लग गए शॉल साड़ी है। या एनडी गठबंधन याने की, अभी तो देखिए मेरा शुरू ही नहीं हुआ हूं मैं, अभी तो मैं आप लोगों को टेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कैसा सुनेंगे। अपने पास सारा तरह का माल है, चिंता मत करो, अपना नहीं चलता तो दूसरों का भी है। ये कवियों के लिए था। एनडी गठबंधन याने की फ्यूज बल्ब। यार एक बात बताइए तुम हंसते कैसे हो? लंका में घर है क्या? एनडी गठबंधन याने, जीवन हमेशा साहब राक्षसों की तरह जियो,
आपने कभी किसी राक्षस को बीमार होते हुए देखा है? ना। हा हा हा, मर गए तो भी हा हा हा। एनडी गठबंधन याने की फ्यूज बल्ब की झालर, बाद चुनाव के पकड़ेंगे ये एक दूजे की कालर, जल्दी कर देंगे ये खाली खोली रसिया, होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। और आप सबके आनंद को बढ़ाता हूं कि बरसाने में किशन कन्हैया अपने रास रचैया, बरसाने में किशन कन्हैया अपने रास रचैया, और काशी में औघड़ दानी करते ताता थैया, अवधपुरी है राम नाम की रंगोली रसिया, वाह कर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया, शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली रसिया, सारे मिलके एक दफा फिर ताली बजाओ रसिया। बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। आइए कुछ नई चीजें आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो, ये तो मैं टेस्ट ले रहा था कि आप लोग कैसा सुनते हो। बहुत सारे लोग जो लोग रील बना रहे हो ना बाबू, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है पता है आपको? रील बनाने वालों का क्या हाल होता है? कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले, दुल्हन ने फेर। गुरु आज आपके आने के पहले डॉक्टर नूतन सिंह और करम राज सिंह दोनों जने फेरा ले लन, उल्टा बिया भया 3.5 फेरा में। तो डिलीवरी किसका होगा? पीछे बैठे हैं पूछ लीजिए दोनों डॉक्टर है। क्या हुआ तो? आप लोग का बिया हुआ सर? मतलब अरे डॉक्टर साहब दुल्हन बने थे, मालिक का भाई कोट पहन ले तब साड़ी पहन ले लन। सर आप दुल्हन बने थे? मैडम आपका मन नहीं हुआ कि इसको छोड़ के भाग जाएं? नहीं सच बताओ साहब, अब 4 लाइनों का मजा था साहब। ये बनारस की मस्ती है साहब। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये मेरे सारे कवि मित्र जानते हैं, जिस दिन शंभू शिखर घर बैठा हो ये समझ के चलिए कि उस दिन हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन नहीं हो रहा हो। क्या बात है भाई, वाह। कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन में मैं रोज रहता हूँ, लेकिन ये बताते हुए मैं माइक पर बोल रहा हूँ, काशी की नगरी पे घाट पे, गंगा जी के घाट पे, मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत कवि सम्मेलन अपनी जिंदगी में। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। आज तक नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमः पार्वती पते हर हर। क्या फेंके हो भाई? खाली बोतल नहीं फेंकते हैं बेटा। बच्चा है कोई बात नहीं। स्वागत है। एक बच्चा सो गया, कवि सम्मेलन सफल हुआ। अब से एक 4 लाइन और सुनिएगा साहब। स्वागत है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं 4 लाइनें कहता हूँ आप लोगों कि वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM ना बना, पत्नी को क्या बात है जिंदाबाद को SDM ना बनाना। अब ये 4 लाइन जो सबको पसंद आएगी, और चुनाव आचार संहिता को प्रणाम करते हुए कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते मोदी। क्या कहने, जब तक नहीं आते। पुलिस वाले मुस्कुरा रहे। उत्तर प्रदेश की पुलिस मुस्कुरा दे, बस समझिए कि कल कुछ होने वाला है। नहीं सच बता रहा हूं साहब, ये पुलिस जो है ना इतनी सम्मानित है,
नई नई स्कॉर्पियो खरीदती है, अपराधी के घर जाती है, कहती आइए हम आपको सम्मान सहित थाने तक ले जाना चाहते हैं। अपराधी का खानदान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, हम इन्हें पैदल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी पुलिस की स्कॉर्पियो में बैठ करके नहीं जाएंगे। ये सम्मान जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिला है, एक बार पुलिस के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। सच बता रहा हूं, क्या करती है पुलिस आपको पता है? बीच में याद आ गया कि दो में जमा दो करके चार भाग देती है, पानी में जैसे ये लगा के आग देती है। यूपी पुलिस की क्या बराबरी कर कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है। अब होली है तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी। तुम आप सुनिएगा साहब, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। यार राजा यार रंग में मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए तो वहीं खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। कि चीनी को जमा का संस्कृत का अध्यापक आ गए। बोले तब सो मां ज्योति का, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मां तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा कर, हिंदी के अध्यापक ने पूछा राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार हिंदी को। और साहब ये महामूर्खों का मेला है, लेकिन कई बार मूर्खों को भी सच कह देना चाहिए। मोदी जी पिछले दिनों नासा गए, वैज्ञानिकों ने दो मिसाइल दे दी, मोदी जी ने पूछा मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके आपको हिंदी के अध्यापक ने पूछ लिया लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी, छोटी हुई तो भी बड़ी, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। और अगली पंक्ति में फिर आप लोगों की तालियां गूंज जाएंगी। हिंदी के अध्यापक ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? तनुप्रिया जी सुनना, बहुत अच्छा, इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है और कवियों का इतना ध्यान रखा है। एक बार तनुप्रिया श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बहुत ही अच्छी लड़की है, आगे चल के चुनाव लड़ेगी। नहीं लड़ोगी? ये हमसे पूछी, कांग्रेस के टिकट पर लड़ेगी। तो भैया जमानत तो उसकी भाजपा में भी जब्त हो जाएगी। या तो मोदी जी को वोट मिलता है, भाजपा कांग्रेस को थोड़ी मिलता है। ये मुझसे आते ही पूछी, बोले शंभू जी कोई लड़की आपका मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे? मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हिंदी के अध्यापक ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? बनारस वालों आपकी चेतना देखना चाहता हूं। हिंदी के अध्यापक ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे। चीनी को जमा करके फिर, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। गणित वाले गए ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए।
दोस्तों लव हमेशा करना चाहिए। हाँ। भगवान राम को भी लव हुआ था। हाँ। बाद में कुछ हुआ इन्हीं को जमा करके फिर से गन्ना सच बता रहा हूं। गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई जमा करके। इधर बीच में दादा भी हंस रहे ए दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है? देख के लग रहा है डबल एक्स की भी पता होगी को जमा करके फिर। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, आप लोग जिस आनंद मौज मस्ती के साथ सुन रहे हो, एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर हम सब कवियों ने पढ़ा है, आपने भी सुना होगा। हॉस्पिटल वाई नहीं करा लो मेगा, वही में लिखवाई ले हुआ। हाँ, इसी ओमेगा में लिखवा रहे हैं कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ है? तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। क्या बात। मुझसे कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? मैंने कहा आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वही है जो अपने लिए हंसने के लिए समय निकाल ले। वाह भाई वाह, सबसे ज्यादा अमीर आज की तारीख बहुत अच्छे, दुनिया में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चीनी को जमा करके महिलाओं को फिर प्रणाम करता हूँ इनको प्रणाम कर लेना चाहिए, जितनी बार मन करे उतनी बार प्रणाम कर लेना। सही बात है। मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40 नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो बीच के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दू। बिल्कुल सच बताऊं, मेरे पड़ोस में दमदार भाई रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो? आज देखिए प्रसाद देके गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये आंजन और सुरमन मेरे पर दिखेगा काजल दे गए तब क्या फायदा, तो ऐसे ही लगा है। नहीं नहीं, बनारस में जो मिल जाए वो भगवान का आशीर्वाद। वाह, ये ऐसी जगह जहाँ लोग मरने के लिए आते हैं साहब। नहीं कोई बात नहीं, फिर हम कह रहे मणिकर्णिका बगले में है तो तुम मरो, यही रहते हो इतने दिन से काहे नहीं मरे बताओ, एक दिन के लिए हमें बुला रहा, चाहता मर जाए बेटा, अभी लिफाफा नहीं दिया तो सोच रहे किससे पहले निपटे जाए। सही बोले यार, तुम भी कुछ ला रहे हो क्या? खाली पानी लेके जा रहे हो, इतने छोटे से पानी में कैसे होगा? दो सौ लिली का पानी ऐसे पकड़ के जा। चीनी को जब मजा आ रहा आप लोगों को, ये जो मजा आ रहा है ना, यही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो आप सबके चेहरे पर है, क्योंकि हास्य के देवता सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ है जो आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार सब मेरे साथ जयकारा लगाइए, ओम पार्वती पते हर हर महादेव। चीनी को जमा कर, वो तो अभी वही अटका हुआ है। सच बता रहा हूं, अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। चीनी जितनी आती उतने में काम खत्म। चीनी को जमा, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको सच्ची घटना। वो आ गया फिर से विज्ञान का अध्यापक, बोला बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा, बड़ा बारीक यार, बड़ी देर से जोरदार ताली बजाइए। क्या बात, इनको समझ आ गया, ये सोच रहे अपना वाला क्या है। चीनी को, ये लोग तो खुद रात को 12-12 बजे तक कभी सम्मेलन सुनते हैं। चीनी को जमा करके क्या हंस रहे साहब।
सब आप लोग एक एक व्यक्ति के चेहरे पर जो मुस्कान है ना, यही ध्यान है, यही तुरिया अवस्था है जिसके लिए बड़े बड़े साधक सालों साल तपस्या करते हैं, जो अभी आप सब प्राप्त हैं, उसी अवस्था को प्राप्त है जिसके लिए लोग चाहते हैं कि आइए दो पल के लिए कहीं हम ऐसी जगह चले जहां पर सब खत्म हो जाए। वो आपके चेहरे पर अभी जो उदासी है वो खत्म हो गई है। चार लाइनें सुनिएगा, आनंद स्वागत है। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाओ। मैंने कहा घर बैठे मिठाई मंगवाओ, ये कैसे मिठाई मंगवाओ? पिज्जा बर्गर तो मंगाए थे, मिठाई पहली बार सुने। हम बिहारी आदमी, हमने कहा ट्राई करो, बिहारी हमेशा ट्राई करता है, लालू जी भी करते थे, 10 बच्चे हो गए, तो बिहारी आदमी हमेशा ट्राई करता है। तो मैंने कहा कि यार घर बैठे मिठाई मंगवाओ, कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिया हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रहा, रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले नमस्कार अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए एक दवाई है, चाट पापड़ी के लिए दो दवाई है, गजक नमकीन के लिए तीन, गोलगप्पों के लिए चार। मैंने कहा रेगा सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती भी आजकल, मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने एक दवा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए एक दवाई है, बर्फी लेने के लिए दो दवाई है, जलेबी लेने के लिए तीन दवाई है, रसगुल्ला लेने के लिए चार, मुझे लड्डू चाहिए था मैंने एक दवा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए एक दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए दो दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए तीन, तिल के लड्डू के लिए चार, मुझे बेसन का चाहिए था मैंने एक दवा दिया, एक किलो लेने के लिए एक दवाई, दो किलो लेने के लिए दो दवा, तीन किलो के लिए तीन दवाई, सौ किलो के लिए चार, एक दबाना था गलती से चार दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। एक मिनट बाद कॉल आ गई उनकी, बोले नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने सोचा यार ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जल्दी बताइए आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए एक दवाई है, उससे छोटे से बात करने के लिए दो दवाई है, और जब तक असली तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते क्या कहने भाई, वाह वाह लग गया था भाई, वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी। क्या कहने वाह, आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, वाह रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, वाह अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना, हंसना सैकड़ों दुखों की दवा एक बार। आइए आप लोगों के बीच में अंतिम चार लाइनें सुनाता हूँ और आप लोगों से विदा चाहता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम का समय निर्धारित है, वो हर साल का निर्धारित है, बनारस की परंपरा कभी टूटी नहीं है, इसलिए मैं भी उसके समय का पालन करूंगा। चार अंतिम लाइनें सुनिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आदरणीय हम मैं सांड दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और वो सतायु तो है ही। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सांड दादा, आप लगभग 100 साल के पूरे होके मुझे सम्मानित कर रहे हैं, बदला चुकाया जाता है दोस्तों, जब मैं 100 साल का होऊंगा तो मैं आपको सम्मानित नमः पार्वती पताये महादेव। तो ऐसा बदला में आप लोग भी आइएगा, जीवन में सबसे बड़ा जीवन यही है जो अपनों के साथ जी लिया जाए। चार अंतिम लाइनें आप लोगों के सामने रखता हूं और आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, फिर कभी मुलाकात होगी, बहुत आनंद में हूं, मेरे भीतर का जितना भी पुण्य होगा मैं चाहता हूं वो सब आपके हिस्से में चला जाए, क्योंकि आप जानते हैं हम जितने भी कवि हैं ना ये सब चंद्रमा हैं, आप जितने लोग हो ना सूर्य हो, हमारी कोई औकात नहीं है जब तक कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा को नहीं मिलती, तब तक वो चमकता ही नहीं है, आप लोगों की तालियां ही हमें चमकाती है, आप लोगों का आशीर्वाद ही हमें चमकाता है, आप लोगों की दाद ही हमें चमकाता है, आप जितनी ऊर्जा दोगे हम उतने बड़े नक्षत्र होकर के चमकेंगे, हमारी आपके बिना कोई पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी
बांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और कहीं